इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, लेकिन आधुनिक काल में 500 वर्षों का इंतजार उन्हें करना पड़ा है। वो सभी मुरझा गए, लेकिन अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वो निखर उठी हैं, वे खिल उठी। अयोध्या का हर वासी आज इसी तरह से खिल उठा है। वो कहते हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में भी नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ हो रहे हैं। आओ चलें, हम सभी चलें भगवान रामचंद्र जी के महल की तरफ चलें। और आपके सामने वो महल आराध्य भगवान श्री राम का अद्भुत अलौकिक दिव्य नव्य भव्य ये मंदिर हम सबके सामने है। अयोध्या वासी कहते हैं कि आओ चलें, भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चले, हर कोई चले। यकीन आज पूरा भारत देश भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है, क्योंकि महाराजा अधिराज है। आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी, जय श्री राम, जय सियाराम। आज 22 जनवरी और 12:05 का वो अद्भुत क्षण, अलौकिक क्षण, अविस्मरणीय क्षण बस आने ही वाला है। देवास से हम पूरे देश को देख रहे हैं और अयोध्या धाम पूरे देश का हर कण हर क्षण राम धुन गा रहा है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, उन तरंगों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी अवसर पर हम नहीं भूल सकते उन बार सेवकों को, जिनके कारण से और जिनके गिलहरी प्रयासों से करोड़ों लोगों तक चेतना पहुंची और आज का ये दिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको देखना नसीब हुआ। लेकिन उन क्षणों के साक्षी हैं, सन 1990 में जब सरयू जी का जल लाल हुआ था कार सेवकों के खून से, उसका जो दर्दनाक इतिहास है उसको आज हमारे साथ साझा करने के लिए हैं समाज सेवी देवास के अरविंद महाजन, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जो कोठारी बंधु कलकत्ता के कोठारी बंधु दो और ना जाने कितनी लाशें आपने देखी हैं, और किस तरह से वो मंजर था उसके बारे में आज आप बयान करें ताकि हम कार सेवकों को भी श्रद्धांजलि। 1990 की कार सेवा में हम संगत की टोली में देवास से इलाहाबाद के लिए रवाना हुए थे। संघ की ओर से निर्देश था कि कैसे भी करके हम लोगों को अयोध्या पहुंचना है। हमारी टोली में मैं और गिरिराज जी इलाहाबाद से बस के माध्यम से हम प्रतापगढ़ पहुंचे। वहां से आगे का रास्ता दुर्गम था क्योंकि बसें जा नहीं रही थी, और कैसे भी करके हमको अयोध्या पहुंचना था। जब हम अयोध्या के एक मार्केट में गए तो एक दुकानदार ने हमको आवाज़ दी कि आप कार सेवा के लिए आए हो क्या? हमने कहा हाँ। फिर आपके बैग यहाँ रख दीजिए और आप 5 मिनट बैठो, आप कहाँ से पधारे हैं? हमने कहा हम इंदौर के बाद देवास से आए। उन्होंने कहा कि 2 लोग और मेरे पास इंदौर के हैं, हम आपके मेरे यहाँ रात रुकिए, हम सवेरे आपको इसी जगह पे छोड़ देंगे जहाँ से कम पैदल 2-3 दिन चलना पड़ेगा। जब हम उनके घर रात को गए तो मालूम पड़ा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अनिल माधव जी दवे और देवास में एक और मदन लाल जी है जो ओरिएंटल इंश्योरेंस सर्विस करते हैं, 2 लोग वो भी थे। हम 4 लोगों को उन महाशय ने सवेरे प्रतापगढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर छोड़ दिया और हमको एक गाँव के नाम लिख दिए कि ये गाँव से आपको कम से कम जाना पड़ेगा। हम वहाँ से 3 दिन और 4 रातें रुकते हुए दुर्गम परिस्थितियों में अयोध्या पैदल चलते चलते
अयोध्या पहुंचे। रात्रि में ग्रामीणों के बीच में हमने विश्राम किया, ग्रामीणों में हमारी भोजन व्यवस्था की, मंदिर कई किसी दिन मंदिर में सोए, किसी दिन कोई ग्रामीण के घर पे। ऐसे हम लगातार 3 दिन के बाद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में चारों ओर कार सेवा का हुकुम था। अगले दिन कार सेवा के लिए हमको सभी कार सेवा को प्रस्थान करना था। बीच में हमको 2 और 4-5 लोग और मिले साधु गुना के, जो कार सेवक थे। वो एक हमारे 10 जने की टोली ऐसी बन गई और हम धीरे जैसे तो से अयोध्या पहुंच गए। अगले दिन कार सेवकों का जो जुनून था, हर अयोध्या की मंदिर की ओर जाने वाली गली बिल्कुल खसाखस भरी थी। पुलिस की ओर से अश्रु गैस के गोले छूटे, जो 1-2 घंटे छोड़े गए। अयोध्यावासी जैसे ही अश्रु गैस का गोला छूटता, वो गीला कपड़ा गीला टाट करके हमको देते। हम उस गीले कपड़े को सब अश्रु गैस के गोले पर रखते, अपनी आंखों पे लगाते। लेकिन कुछ ही देर बाद अयोध्या में गोली चालन हो गया। कई कार से उसने मारे गए, जो बिल्कुल ढांचे के पास पहुँच गए। हम थोड़ा ढांचे से दूर थे, हम ढांचे तक पहुँचे तब देखा कि कई लाशें वहाँ पर है, कई कार सेवक शहीद हुए हैं। सब कार सेवकों को महंत अपने नृत्य गोपाल दास की छावनी में उनकी शरीर को ले जाया गया। उसमें कोठारी बंधु भी थे और अन्य कार सेवक थे जिन्होंने अपने बलिदान दिया। आपने लाशें हाथ से, लाशें हाथ को लाशों को उठा के हमने को खटिया पे रखी। ग्रामीण क्षेत्र में हमने खटिया दी, उस खटिया पे रखी, उस खटिया से उस दिवंगत शरीर को लेकर हम महंत नृत्य गोपाल दास की छावनी में रख करके आए। कोठारी बंधु के इसमें सिर पर ऐसी गोली लगी थी कि जब उनका चेहरा अपन देख नहीं सकते थे, सुनता था गोलियाँ उनको मारी गई। जो बाद में पता चला कि कोठारी बंधु शहीद हुए, इसमें एक हाँ ये आपको बाद में पता चला होगा, क्योंकि कोठारी बंधु जो दो थे वो कोलकाता के एक बड़े सेठ के निवासी थे और एक वत्स में काम धंधा करने वत्स था, उनको पहली गोली मारी गई थी, वो सबसे आगे थे। ऐसे कितने ही लोगों के रक्त से एक सरयू लाल हुई है, तो वो उसी जमात के लोग किस हक से कहते हैं कि राम सबके हैं और हम भी राम के मंदिर में जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे। उनको तो एक तरह से कहना चाहिए कि भगवान श्री राम जरूर क्षमा कर दें, लेकिन इंसानियत को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो ये थे अरविंद महाजन जी और ऐसे ही कितने हमारे साथी कार सेवक के रूप में गए थे। ये इन्होंने उस समय का ये एक हादसा जो कहना चाहिए जानबूझ के रचा गया षड्यंत्र। परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, लेकिन वहाँ ना जाने कितने कार सेवक परिंदों की तरह पहुँच गए और ना केवल पर मारा बल्कि जिस तरह से वहाँ पर जो भी कुछ उनको विधि सम्मत करना था वो किया। और तो संविधान सम्मत हो के भगवान श्री राम ने कहा है कि उन्होंने तो सीता मैया की भी अग्नि परीक्षा ले ली एक धोबी के कहने पर। तो ऐसे में हिंदू कभी भी किसी पे बलात् कब्जा नहीं कर सकता। उस जगह पे मंदिर बनाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और एक एक बिंदु पे चर्चा होने के बाद, तो अब जो क्षण है इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल विधि विधान से संविधान से श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, जिसके साक्षी हम सब आज हैं। और रामाश्रय मंदिर बिलावली के समीप जो अग्रवाल परिवार के माध्यम से निर्मित हुआ, वहाँ पर हम सब आनंद ले रहे हैं और यहाँ से हम सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्य यजमान हैं और ऐसे कार सेवकों के साथ बैठकर देखेंगे तो हमारे निश्चित तौर पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा और आनंद जो है आज का वो दुगुना हो जाएगा और श्रद्धा का जो भाव है कार सेवकों के प्रति वो और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। तो आपने देखा ये है दैनिक नवाचार की प्रस्तुति। आप देखिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुँचाइए, जो वास्तविकता है उसको पहुँचाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।